हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च मैथ्स में। आइए दोस्तों, हम लोग आज जो जानेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये विभाज्यता के नियम जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो देखिए परीक्षाओं में जो होता है विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो आइए दोस्तों, हम समय को ना बर्बाद करते हुए विभाज्यता के नियमों की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला नियम देखिएगा, दो से विभाज्यता का नियम। देखिएगा मित्रों, दो से विभाज्यता का नियम जो होता है, इसको हम कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? दो से विभाजित होगी। देखिएगा मित्रों, इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए, देखिए आपके उदाहरण के रूप में दिया है, देखिए 210 में जो है इकाई का अंक क्या है? जीरो है। इकाई का अंक जीरो है। और देखिएगा जो 242 है, 242 इसमें इकाई का अंक जो है कितना है? दो है। और 524 जो है इसमें इकाई का अंक जो आपका है चार है। क्या है? चार। और देखिएगा 362 में जो है इकाई का अंक कितना है? दो है। मित्रों देखिएगा दोस्तों, यह जो है जो संख्याएं आपकी दी गई हैं, यह संख्याएं सभी जो हैं दो से विभाजित हैं। क्यों विभाजित? देखिएगा, हम आपको बता दिए हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या किससे विभाजित हो गई? दो से। ठीक मित्रों, आगे बात करते हैं तीन के नियम की। देखिएगा तीन से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? देखिएगा क्या करते हैं, तीन से विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। तो इसमें जो होता है कि यदि कोई संख्या, जो भी संख्या हो, यदि कोई संख्या तीन से तभी विभाजित होगी जब किसी संख्या के अंकों का योग जो होगा तीन से क्या होगा? विभाजित। देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो होता है वह तीन से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी? तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये आपका 16, देखिए 200 200